वेलकम बैक वंस अगेन नौकरीखबर.com ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्टमैन के लिए आ चुकी साल 2022 की नई सीधी भर्ती के बारे में, जहां पर आप सभी के लिए वर्क फ्रॉम होम के लिए पोस्टमैन की पोस्ट पर भर्तियों के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए लिंक्स भी एक्टिवेट कर दिए गए हैं। आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लोग पोस्टमैन की पोस्ट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कैसे घर बैठे इस जॉब को कर सकते हैं। सारी की सारी डिटेल इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर आप लोग केवल और केवल कक्षा 10वीं या 12वीं पास हैं और अभी तक आप लोगों के पास किसी भी तरह की प्राइवेट या सरकारी नौकरी नहीं है और आप लोग घर बैठे किसी भी पोस्ट पर काम करके पैसे कमाना चाहते हैं, पोस्टमैन की पोस्ट पर काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ आ चुकी है। आगे इस वीडियो में हम लोग नोटिफिकेशन को तो डाउनलोड करेंगे, अप्लाई करने के प्रोसेस के बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाले हैं। बस आप लोग इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम की लगे तो इस वीडियो को लाइक करने के बाद आगे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो पहले हम लोग बेसिक जानकारी के बारे में बात करते हैं, उसके बाद ऑफिशियल नोटिफिकेशन और अप्लाई के प्रोसेस के बारे में देखते हैं। तो आपको बता दें कि यहाँ पे आपको पोस्टमैन की पोस्टें मिलेंगी, इसके अलावा यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यानी कि अगर आप लोग इस पोस्ट पर सिलेक्शन पाते हैं तो आप लोग इस काम को घर बैठे कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा, केवल और केवल इंटरव्यू के बेस पे आप सभी का चयन यानी कि सिलेक्शन होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे जो आपकी मिनिमम उम्र है यानी कि आयु है वो 18 साल की होनी चाहिए। ऑनलाइन तरीके से आपको आवेदन करना होगा, आप लोग ऑल इंडिया लेवल पर अप्लाई कर पाएंगे। आपकी एप्लीकेशन फीस यहाँ पे बिल्कुल फ्री रहेगी, आप लोग चाहें तो निःशुल्क ही आवेदन कर सकते हैं। अभी हम लोग चलते हैं आज के अपने मेन टॉपिक और ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, उसके बाद वेबसाइट पर चल के आपको सारी डिटेल जानकारी दे देंगे। दोस्तों, आपको अप्लाई करने का, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का और बाकी सारी जानकारी देखने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आप लोग जहां पे कमेंट करते हैं फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन कर दूंगा, तो क्लिक करके इस पेज पे आ पाएंगे। यहां पे आने के बाद आप लोग देख पाएंगे पोस्टमैन रिक्रूटमेंट है 2022 के लिए। इसके बाद स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको कुछ जानकारी देखने को मिलेगी। इसके बाद यहाँ से नीचे आएंगे तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो API डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको दो तरह की पोस्टें मिलेंगी। नेम ऑफ दी पोस्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट एडवोकेट की और यहाँ पे आपको कस्टमर ऑफ सपोर्ट इंटर्न की वैकेंसी मिलेंगी। नंबर ऑफ वैकेंसी वेरियस हैं और फॉर्म भरे जाने शुरू हो चुके हैं। जितना जल्दी हो सके आप लोग ऑनलाइन तरीके से अक्रॉस इंडिया से अप्लाई कर दीजिए। एजुकेशन के बारे में यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है, नोटिफिकेशन में हम बात करेंगे। आपकी जो मिनिमम एज है वो कम से कम 18 साल की होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है, जो कि आपका चयन इंटरव्यू के बेस पे होने वाला है। पे स्केल के बारे में नोटिफिकेशन में बात करेंगे। आपका जो अप्लीकेशन फीस है वो बिल्कुल फ्री होने वाला है, आप लोग निःशुल्क अप्लाई कर सकते हैं। कैसे आपको अप्लाई करना है उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। देन यहाँ पे फाइनली आपको इंपोर्टेंट लिंक का ऑप्शन मिलेगा। चूंकि दो तरह की यहाँ पे पोस्ट वैकेंसी है तो आपको पोस्टमैन नोटिस एंड अप्लाई फर्स्ट का लिंक मिलेगा और पोस्टमैन नोटिस एंड अप्लाई सेकंड का यहाँ पे लिंक भी मिल जाएगा। आपको करना क्या है कि पहले एक नंबर वाली बटन पे क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप लोग एक नए पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद देख सकते हैं कि अप्लाई नाउ की बटन मिलेगी और पोस्टमैन यहाँ पे प्रोडक्ट एडवोकेट की यहाँ पे पोस्टें भी मिल जाएंगी, जो कि आ चुकी हैं API डेवलपमेंट की तरफ से। इसके बाद यहाँ से नीचे आएंगे, अबाउट द टीम के बारे में जानकारी है और इसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि आपका काम क्या रहेगा आपको यहाँ पे चेकआउट करना होगा। इसके बाद यहाँ से और नीचे आएंगे, रिक्रूटमेंट के बारे में जानकारी है, कौन कौन से रिक्रूटमेंट हैं अगर आप लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। देन यहाँ पे बेनिफिट्स के बारे में बात करी गई है, कौन कौन से बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसके बाद यहाँ से आपका अप्लाई स्टार्ट होगा। अप्लाई आप लोग इसी वेबसाइट के माध्यम से कर पाएंगे बिल्कुल फ्री में। इसके अंदर फर्स्ट नेम आपको एंटर करना होगा, लास्ट नेम डालना होगा, एक ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर आप लोग डाल सकते हैं और आपको अपना
रिज्यूम सीवी यहाँ पे अटैच करना होगा। इसके बाद यहाँ पे अगर आपने लिंक्डइन के अंदर अपनी प्रोफाइल बनाई है तो उसका लिंक यहाँ पे डालिए। अगर आपकी कोई भी वेबसाइट है आप लोग यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आपको जो पूछा गया है वो बताना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर का ऑप्शन मिलेगा, मेल है कि फीमेल है, आप लोग इसको ज़रूर से ऐड करें। और इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा गया है तो आपको इसको भी जो है तो बताना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको बताना होगा और इसके बाद यहाँ से नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा डिसेबिलिटी स्टेटस की बात करी गई है। अगर आप डिसेबल हैं तो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और सारी जानकारी देखने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन मिल जाएगा। आप लोग इस पर क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ये हो जाएगी पहली पोस्ट और सेकेंड पोस्ट के लिए भी आपको सेम प्रोसेस रहेगा। यहाँ पे आपको क्लिक करके बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप लोग एक नए पेज पे आ जाएंगे। पोस्टमैन आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। करंट जॉब ओपनिंग है ऑल डिपार्टमेंट के अंदर। यहाँ पे आपको कस्टमर उप सपोर्ट एसोसिएट की वैकेंसी मिल जाएंगी और आपको यहाँ पे रिमोट वर्क भी देखने को मिल जाएगा। सेम प्रोसेस रहेगी अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो। यहाँ पे आपको डाटा इंजीनियर या फिर बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिलेंगी। आप लोग सिंपली यहाँ पे जानकारी चेकआउट करेंगे और यहाँ से आपको अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा तो आप लोग चाहें तो अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी समझ में ना आई हो और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको अप्लाई करने के बारे में डिटेल वीडियो प्रोवाइड कराऊं तो इस वीडियो के लिए 300 लाइक का टारगेट है। जितना जल्दी हो सके कंप्लीट करें ताकि आपको आवेदन करने की फुल डिटेल वीडियो मिल सके। ऐसी वीडियोज़ की अपडेट आगे भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।